आगे बढ़ते हैं और अब दिखाते हैं आपको वॉर फ्रंट से जुड़ी बड़ी खबरें। तीन वॉर फ्रंट, दुनिया का अंत। जी हाँ, दुनिया में इस वक्त तीसरा वॉर फ्रंट भी खुल गया है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निधि वासंदानी। आपको बताएंगे किस तरह से तीन वॉर फ्रंट इस वक्त दुनिया में खुले हुए हैं और खौफ एक बनता जा रहा है। इस वक्त युद्ध का एक नया फ्रंट खुल चुका है, वो है उत्तर कोरिया वर्सेस दक्षिण कोरिया, और इसके बीच जबरदस्त तनाव है, टेंशन है। शुरुआत किम जोंग ने 200 गोले दागकर कर भी दी। अब बारी साउथ कोरिया की है, तो इस बार किम को बख्शने के मूड में साउथ कोरिया नहीं है। दोनों देशों के बीच अचानक बड़ी टेंशन के बीच कोरियाई द्वीप पर जबरदस्त हलचल है। दोनों तरफ से मूवमेंट देखी जा रही है, और आपको बता दें इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जंग की आशंका बढ़ गई है। दक्षिण कोरिया नेवी का समंदर में अभ्यास देखने को मिला। उत्तर कोरिया को जवाब दे सकता है दक्षिण कोरिया, ड्रिल के दौरान गोले दाग सकता है दक्षिण कोरिया। और इससे पहले उत्तर कोरिया ने पश्चिमी तट पर 200 गोले दाग दिए। आइए देखते हैं आखिर उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के किस इलाके को टारगेट किया है। आपको मैप के जरिए दिखाते हैं कि कौन से इलाके को टारगेट किया गया है। देखिए, यह है उत्तर कोरिया, यह है दक्षिण कोरिया, लेकिन जो बीच का इलाका है यहां पर प्योंगयांग आता है, यह सियोल के बहुत नजदीक है। अब प्योंगयांग का जो आइलैंड है योंगप्योंग आइलैंड पर दरअसल टारगेट किया है नॉर्थ कोरिया ने किम जोंग उन, जो तानाशाह वहां का बताया जाता है, और यहीं पर ही उत्तर कोरिया ने हमला किया। 200 गोले दागे, इतनी फायरिंग की गई, और बताया जाता है ये 2 घंटे में की गई है फायरिंग। ये मैप के सहारे हम आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप वो एग्जैक्ट लोकेशन समझ पाएंगे ये कहाँ अटैक हुआ है। ये देखिए, ये जो ब्लिंक कर रहा है इलाका, यहीं पर ही अटैक किया गया है उत्तर कोरिया की तरफ से। ये इलाका कहा जाता है आइलैंड योंगप्योंग आइलैंड, यहाँ पर लोग रह रहे थे, जनता रह रही है, और यहाँ पर अटैक किया गया है। अब लोगों को इवैक्यूएट कर रहा है साउथ कोरिया, ये जानकारी मिल रही है। और आइए आपको उत्तर कोरिया के हमले का पूरा अपडेट लगातार देते आ रहे हैं सुबह से। इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है, किम ने पार कर दी है सरहद। जी हाँ, उत्तर कोरियाई मिलिट्री ने 200 राउंड फायर किए, 200 राउंड सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच ये फायरिंग की गई है। पिछले 13 महीने में इस तरह का ये पहला अटैक देखने को मिला, और पहला बड़ा अटैक है ये। योंगप्योंग आइलैंड के उत्तर में हमला किया गया है, जो नॉर्थ इलाका है, नॉर्दर्न लिमिट लाइन यानी NLL के उत्तर में अटैक किया गया है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहां पर अटैक किया गया है उत्तर कोरिया की तरफ से। तो सारी हदें पार कर दी हैं किम जोंग उन ने। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, साउथ कोरिया के लड़ाकू विमानों का एक्शन देखने को मिल रहा है। नॉर्थ कोरिया से तनाव के बीच ये युद्धाभ्यास, KF-16 फाइटर जेट ने उड़ान भरी है। देखिए, तनाव और बढ़ने की स्थिति बढ़ गई है, KF-15 फाइटर जेट को तैनात किया गया है। दक्षिण कोरिया ने होविट्ज़र तोप से 50 गोले दागे। और दुनिया में इस वक्त जंग के तीन बड़े मोर्चे खुल चुके हैं। 22 महीने से ज्यादा वक्त से रूस और यूक्रेन के बीच जंग चल रही है, 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं। हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है, भीषण युद्ध चल रहा है, और आज से खुल गया है एक नया फ्रंट, वो है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का ये नया वॉर फ्रंट। दुनिया में कितने वॉर फ्रंट इस वक्त एक्टिव हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच में जंग चल रही है,
किम और यून सुक के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। इसराइल हमास के बीच में जंग चल रही है। तो देखिए, ये बताता है, ये वॉर फ्रंट बताता है 22 महीने से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही है। वहीं दक्षिण कोरिया की तरफ से भी एक्टिविटी देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्हीं पर ही अटैक किया गया है, नॉर्थ कोरिया से अटैक किया गया, और ये युद्ध आज से आरंभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं इसराइल हमास युद्ध जो कि 3 महीने से लगातार जारी है, इस मोर्चे पर भी लगातार जंग के हालात बढ़ते जा रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर जो नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया की जंग से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। नॉर्थ साउथ कोरिया से चीन की अपील सामने आई है, तनाव को और आगे न बढ़ाएं, पूरे क्षेत्र में हालात गंभीर हैं। देखिए, चीन भी बीच में कूदता हुआ दिखाई दे रहा है और चीन ने कह दिया है कि और तनाव ना बढ़ाएं, ना उत्तर कोरिया ना दक्षिण कोरिया, पूरे क्षेत्र में हालात बहुत गंभीर हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है यूएस एजेंसियों के हवाले से, ये बड़ी खबर मिल रही है। पॉलिटिको का बहुत बड़ा दावा सामने आया है, मध्य पूर्व में बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है अमेरिका। यमन के हूती विद्रोहियों पर बड़े एक्शन की तैयारी अमेरिका कर रहा है। इराक सीरिया में भी विरोधी गुटों पर कार्रवाई होगी। ब्लिंकन के मिडिल ईस्ट दौरे के बीच ये बड़ा खुलासा हुआ है। और मनीष हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मनीष, बड़ी जानकारी ये मिली है पॉलिटिको के हवाले से कि इराक सीरिया में विरोधी गुटों पर कार्रवाई करने की तैयारी इस वक्त अमेरिका के भीतर बनाई जा रही है, ये प्लानिंग रची जा रही है पूरी। बिल्कुल निधि, देखिए अमेरिका के विदेश मंत्री आज से 6 दिनों के मिडिल ईस्ट के दौरे में है, जहां पर वो 8 देशों में जाएंगे। कयास तमाम तरह के लगाए जा रहे थे, लेकिन इस बीच खबर जो ये आई है अमेरिकन एजेंसियों के हवाले से कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, ऐसे समय में जब ऑलरेडी इसराइल और हमास की जंग चल रही है जिसके लपेटे में लगभग पूरा मिडिल ईस्ट है, फिर इससे बड़ा युद्ध क्या होगा, और अगर इससे बड़ा युद्ध है तो फिर कितना भयानक होगा। हालांकि पॉलिटिको ने यह दावा किया है कि इस युद्ध में अमेरिका का फोकस यमन के हूती विद्रोही रहने वाले हैं, वो हूती विद्रोही जिसने पूरी दुनिया के सप्लाई चेन को नेस्तनाबूद करके रख दिया है, वो हूती विद्रोही जिसने अमेरिका के वर्चस्व को भूमध्य सागर में चुनौती दी है, रेड सी में चुनौती दी है, उनके खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। जाहिर है कि आज की तारीख में जब अमेरिका को कोई साथ नहीं मिल रहा, इसके बावजूद अगर ब्लिंकन इसी मकसद से मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं, तो आप समझिए कि हालात कितने भयानक होने वाले हैं जब अमेरिका यमन के खिलाफ जंग शुरू करेगा, अमेरिका इराक और सीरिया में जो विद्रोही गुट है उनके खिलाफ युद्ध शुरू करेगा। तो यानी मिडिल ईस्ट का जो तनाव है वो अपने चरम पर जाने वाला है पॉलिटिको के मुताबिक। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी जानकारी मनीष झा इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से ये जो प्लान है अमेरिका का वो डीकोड होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और बड़ी खबर इस बीच, पिछले हफ्ते ही किम ने दी थी बड़ी धमकी, किम जोंग उन उत्तर कोरिया का तानाशाह। किम ने वो नॉर्थ कोरिया की सेना से कहा था, ये कहा था कि साउथ कोरिया को मिटा देंगे, अपनी सेना से कहा था। किम जोंग उन ने कहा था यूएस को भी खत्म कर देंगे, अमेरिका को भी खत्म कर देंगे, ये किम ने अपनी सेना से कहा था। मनीष, ये जो लगातार धमकियां सामने आ रही हैं किम की, अपनी सेना को भी उकसाया गया है और ये कहा गया है कि कोई भी हमला नहीं कर पाएगा, अमेरिका को भी हम खत्म कर देंगे, ये क्या दिखलाता है, ये क्या मैसेजिंग है इस वक्त? देखिए निधि, 2 जनवरी को किम जोंग उन ने अपने तमाम कमांडर के साथ एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ जंग होकर रहेगी और इसलिए आप तैयारी करिए। बल्कि उनके जो शब्द थे उसका अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करूं तो उन्होंने कहा कि अपनी तलवार की धार को तेज कर लो ताकि जब दुश्मन हम पर हमला करेगा तो उस वक्त हम दुश्मन को मिटा देंगे और उसे बर्बाद कर देंगे। तो जाहिर तौर पर किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को लेकर कहा कि हम उसे मिटा देंगे, हम अमेरिका को तबाह कर देंगे, अमेरिका के साथ युद्ध होकर रहेगा, हम अमेरिका को करारा जवाब देंगे। और इसी को अभी जो हमारे दर्शक तस्वीरें देख रहे हैं ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं। 2 जनवरी को किम जोंग उन ने जो अपने टॉप कमांडर के साथ मीटिंग की थी और उस मीटिंग में उत्तर कोरिया ने जो बात कही थी, उत्तर कोरिया की रणनीति को लेकर जो बात कही थी, और आप देखिए इस मीटिंग के महज 72 घंटे के अंदर
उत्तर कोरिया की तरफ से 200 के करीब गोले दागे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि किम जोंग उन के 12 साल के शासनकाल में अगर आप देखें तो उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही है कि उत्तर कोरिया के पास अल्ट्रा मॉडर्न आर्टिलरी है और उसका इस्तेमाल आज रात किया गया। जी। बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष कि ये जो 2 जनवरी की मीटिंग थी ये बहुत कुछ कहती है और शायद प्लानिंग गोले दागने की तभी रची गई होगी। एक और बड़ी खबर मिल रही है, दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है, उत्तर कोरिया के उकसाने वाली ये कार्रवाई है, उत्तर कोरिया को उचित जवाब दिया जाएगा, ये कहना है दक्षिण कोरिया की तरफ से, जो मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा गया। ताजा हालात पर अमेरिका की भी नजर इस वक्त है। तो समय आने पर उत्तर कोरिया को उचित जवाब दिया जाएगा, ताजा हालात पर अमेरिका भी नजर बनाकर रखा हुआ है। तो आपने सुना साउथ कोरिया के जो गृह मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा गया, चेतावनी जारी की। अब आपको बताते हैं दक्षिण कोरिया की आखिर तैयारी क्या है, अब क्या करेगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की तैयारी आपको बताने जा रहे हैं, अलर्ट इस वक्त है थल सेना और वायु सेना, और जो तैनात कर दिए गए हैं दक्षिण कोरिया की तरफ से वो 4 KF-16 लड़ाकू विमान तैनात कर दिए गए हैं, K-9 होविट्जर तोपें तैनात हो गई हैं। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर दागे हैं 200 गोले, लेकिन इसके अलावा जो रणनीति है दक्षिण कोरिया की, दक्षिण कोरिया ने 80 प्लस शेल दागे हैं और ये तैयार मोड पर है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा मिलिट्री अलर्ट जारी हुआ है इस वक्त, तो कभी भी ऐसे हालात बन जाएंगे कि दोनों ओर से फाइटर जेट आमने सामने होते हुए नजर आएंगे। तो ये अलर्ट वाली सिचुएशन है जो दक्षिण कोरिया की तैयारी दिखाती है, जिसमें जो थल सेना है और वायु सेना है उसे अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता दें, उत्तर कोरिया मिसाइल पर टेंशन में अमेरिका भी है, अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली है। देखिए टेंशन बढ़ता जा रहा है और ये जो सिचुएशन है वो और ज्यादा परेशान करने वाली है। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई है, सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक तब बुलाई जाती है जब इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं या कोई ऐसा मुद्दा जो ज्वलंत होता है जिस पर चर्चा करनी होती है और फैसला लेना होता है। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई है, इसके मायने क्या है, उत्तर कोरियाई मिसाइल पर ये टेंशन में अमेरिका मनीष दिखाई दे रहा है और ये बताता है कि अमेरिका भी कदम उठाने के लिए इस वक्त तत्पर है। बिल्कुल, देखिए हालात किस कदर बिगड़ रहे हैं उसका आप अंदाजा यही लगाइए कि अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उनका कहना यह है कि उत्तर कोरिया से मिसाइल रूस को दिए गए और फिर रूस ने उन मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया। जब उत्तर कोरिया के ऊपर तमाम तरह के सैंक्शन लगे हुए हैं, इसे UN के सैंक्शन लगे हैं, तो फिर आखिरकार उत्तर कोरिया से मिसाइल ट्रांसफर रूस में कैसे हुए, इस बात को लेकर अमेरिका ने UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई है। तो अब आप समझिए कि रूस और उत्तर कोरिया का जो अलायंस है वो अमेरिका को परेशान कर रहा है और उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के ऊपर गोले दागे और यह महज उस समय हुआ जब व्हाइट हाउस ने पहली बार इस बात की पुष्टि की कि हाँ रूस यूक्रेन युद्ध में नॉर्थ कोरिया के मिसाइल का इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल मनीष, आपके पास मैं आऊंगी। ये हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बन गए हैं, उत्तर कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के हमले को लेकर। एक और बड़ी खबर है कि अटकलें तेज हैं, एक और हमला हो सकता है, हमले के पीछे रूस का हाथ भी हो सकता है। देखिए जो हमला किया नॉर्थ कोरिया ने उसके पीछे आशंका है कि रूस का हाथ हो सकता है, पुतिन के इशारे पर दक्षिण कोरिया पर हमले का दावा है। और इस वक्त दुनिया में वॉर के 3 फ्रंट एक्टिव हैं। सवाल यह है कि युद्ध के तीनों मोर्चे का मास्टरमाइंड कौन है, किसके इशारे पर दुनिया में तीनों कोने में जंग इस वक्त चल रही है। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए। युद्ध का तीसरा फ्रंट मास्टरमाइंड क्या पुतिन है, क्या किम पुतिन के नए सेनापति हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया के वही तानाशाह हैं और पुतिन सपोर्ट कर रहे हैं। क्या किम ने जो किया रूस के कहने पर किया, क्या अमेरिका को निपटाने के लिए मॉस्को की नई चाल है, कौन है मास्टरमाइंड। पहले पुतिन ने ईरान का इस्तेमाल किया और अब उत्तर कोरिया को, क्या बाइडेन के पास विश्व युद्ध में आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखिए ये सारे विकल्प हमने आपको बता दिए और ये सारे सवाल हैं जो मनीष इस वक्त दौड़ रहे हैं कि 3-3 फ्रंट युद्ध के एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन कौन इस तरह से भूमिका रच रहा है कि ये सक्रियता बढ़ती चली जाए। बिल्कुल, देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्रेमलिन ने शतरंज की वो बिसात बिछाई है जिसमें इस वक्त व्हाइट हाउस, बाइडेन और पेंटागन
बुरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हर जगह जहां जंग हो रही है वहां अमेरिका का एक अलायंस मौजूद है और उस अलायंस के साथ साथ अमेरिका को जबरन उस साल युद्ध में कूदने की स्थिति में आना पड़ रहा है जबकि अमेरिका में चुनाव होने हैं और इसीलिए लग रहा है कि किम जोंग उन फिलहाल कोरियन प्रायद्वीप पर पुतिन के जनरल की भूमिका निभा रहे हैं जहां पर किम जोंग उन ने पुतिन के इशारे पर दक्षिण कोरिया में उस वक्त हमला किया है जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका के ड्रिल चल रहे थे। बिल्कुल मनीष, चक्रव्यूह तो कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है कि कहीं किम सेनापति तो नहीं बनते जा रहे पुतिन के, क्योंकि बहुत आशंकाएं बढ़ गई हैं और सीधी नजरें इस वक्त पुतिन पर हैं क्योंकि जिस तरह से वो गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं कई आशंकाएं हैं कि उन्हीं के जरिए रचा हो सकता है। मैं आऊंगी मनीष आपके पास, एक और बड़ी खबर जो है किम जोंग ने मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया है। साउथ कोरिया से तनाव के बीच ये दौरा किया गया है, मिसाइल उत्पादन बढ़ाने का आदेश दिया गया है नॉर्थ कोरिया की तरफ से। ये देखिए मिसाइल फैक्ट्री का दौरा करते हुए किम जोंग उन अधिकारियों को मिसाइल उत्पादन, मिसाइल का प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा गया है। तो किम जोंग उन की ये विनाशक तैयारी है। आइए एक बार डिटेल में आपको जानकारी देते हैं कि किम जोंग उन ने किया क्या है और कहां पे इस वक्त रणनीति सामने आई है। जंग की तैयारी में जुट गया है उत्तर कोरिया, मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया गया है, किम जोंग की तरफ से अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, मिसाइल उत्पादन तेज कर दीजिए, प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। किम का एक्शन क्या है? दक्षिण कोरिया अमेरिका इस वक्त प्रमुख टारगेट पर है, सेना को तैयारी के आदेश दे दिए गए हैं, विनाशक हथियार एक्टिव कर दिए गए हैं। अब सवाल क्या है, क्या परमाणु युद्ध कराएगा किम? क्या अब ये हालात हो गए हैं कि परमाणु युद्ध कराने की इस वक्त सिचुएशन में है? और एक और बड़ी खबर, हमले पर एक्शन में साउथ कोरिया की सेना, योनप्योंग द्वीप के लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है। साउथ कोरिया ने द्वीप को खाली करने को कह दिया है। साउथ कोरियाई द्वीप पर 2000 लोग मौजूद हैं, सबको कहा गया है खाली कर दो,